अभी आपको खबर दें, जेसन गिलेस्पी दौरा ऑस्ट्रेलिया में हेड कोच होंगे। इससे पहले ये बड़ी खबर आई थी कि पीसीबी से इख्तलाफात पर पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने इस्तीफा दे दिया था और ज़राए के मुताबिक गैरी कर्स्टन वाइट बॉल टीम और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज में अपनी पसंद नापसंद मनवाने पर जोर दे रहे थे और अब जेसन गिलेस्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया में हेड कोच बना दिया गया है। तफसील जानेंगे सुहेल इमरान से। सुहेल, बताएगा क्या डिटेल्स हैं? जी, अभी थोड़ी देर पहले ही हमें जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि जेसन गिलेस्पी, जो कि पाकिस्तान रेड बॉल टीम के हेड कोच हैं और वो टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं और अब वही जिम्मेदारियां निभाएंगे हेड कोच की हैसियत से दौरे ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर पाकिस्तान टीम ने तीन वनडे और तीन टी ट्वेंटी मैचेस की सीरीज खेलना है और कुछ खिलाड़ी उसके लिए जा भी चुके हैं, बाकी खिलाड़ियों ने कल जाना है। ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये गैरी कर्स्टन के इस्तीफे के बाद जो है वो सामने आई है कि हमें ये बताया गया है कि जेसन गिलेस्पी ही जो हेड कोच हैं रेड बॉल के, वो अब व्हाइट बॉल के कोच होंगे दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए। जी अच्छा सुहेल, ये बताएगा पीसीबी की जानिब से बाकायदा तौर पर कब तक ऐलान किया जाएगा, उनकी जानिब से कब क्लियर किया जाएगा इसको? ये अब सॉर्ट आउट हो रही है तमाम चीजें और इस्तीफा भी उनका आ चुका है, जो कि पहले रिपोर्ट हो चुका हुआ है और अब क्योंकि जो जराये हमें बता रहे हैं कि जिस से उनकी बात भी हो चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, अब अगले कुछ ही देर में ये तमाम तर जो ऐलानात हैं इस हवाले से कि स्पोर्ट्स स्टाफ में कौन कौन शामिल होगा और किन किन को ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है इस हवाले से और गैरी कर्स्टन के इस्तीफे के हवाले से कुछ ही देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उनका ऐलान कर दिया जाएगा। जी, जेसन गिलेस्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया में हेड कोच बना दिया गया है, जिसका बाकायदा ऐलान भी पीसीबी की जानिब से कुछ देर में कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान, आपने अपडेट किया।